नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें कि 23 जुलाई की सुबह 9 बजे से दोस्तों यश में आपके जोन में आपकी चार सपने सच होने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यश में बदलते ग्रहों के चाल में कुछ ऐसे ही बड़े शुभ योग का निर्माण हो रहा है, जहां पर इनका प्रभाव आपके जीवन में कुछ ऐसे होगा कि आपके कार्य क्षेत्र में आपको बड़ी सफलताएं मिलने वाली है, जिनसे आपके बहुत सारे सपने साकार होंगे, बहुत सारे आपकी आर्थिक तंगियां इसमें खत्म होंगी। घर से जुड़े माहौल में भी इसमें एक ग्रह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव देने वाले हैं। आपके पारिवारिक जीवन में भी जो भी नोक झोंक चल रही है इसमें वो भी खत्म होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि जो ग्रह होते हैं हमेशा इनमें परिवर्तन होते रहते हैं, हमेशा इनका बदलाव हमारे जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव देते हैं। और यश में जो सकारात्मक प्रभाव है, इनका प्रभाव आपके जब भी प्रत्येक क्षेत्र पर होगा, तो इसी में आपको भी दायित्व होता है कि यश में आपको सावधान रहना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जब भी ग्रह शुभ स्थिति में है, अगर वो यश में आप कोई भी गलती करते हैं तो उनका पूरा नकारात्मक प्रभाव ही आपके ऊपर होगा। तो यश में आपका कर्तव्य होगा कि यश में आप प्रत्येक क्षेत्र में साधनों को रखते हुए आगे बढ़ें, ताकि आप सभी सफलताओं का आनंद पूरे परिवार के साथ ले सके। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, इन्हें मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इनमें आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि यश में आपको कौन से क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे, कौन से कार्य आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, कौन से कार्यों में आपको वृद्धि होगी और आपके घर के माहौल में क्या बदलाव होंगे, पारिवारिक जीवन में स्थितियाँ कैसी होंगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। तो दोस्तों, अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखेगा, गुरु जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। तो दोस्तों, जरूर लिखिएगा। अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि दोस्तों और ऐसी ही अधिक जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, यश में अपना कोई भी कार्य करने से पहले उसकी पूरी योजना का प्रारूप बनाना आपको कार्यों में गलती होने से बचाएगा। किसी प्रिय व्यक्ति की आपको मदद करनी पड़ सकती है, परंतु दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा करने से आपको मानसिक और फिर आत्मिक खुशी भी प्राप्त होगी। किसी नए काम की पहली कमाई आने की संभावना भी यश में बन रही है। साथ ही दोस्तों, इसके उपरांत यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में मामा पक्षों के साथ संबंधों को खराब ना होने दें। ये जो समय है आपके लिए, आपका अधिकतर समय घर से बाहर व्यतीत होगा और दोस्तों, परंतु उसका कोई भी लाभदायक नतीजा आपके सामने समय नहीं आएंगे। दोस्तों, ये जो आपके लिए समय होंगे, आर्थिक स्थिति कुछ मंदी रहेगी। इसके उपरांत दोस्तों, ये समय आपको बता दें, यह समय आप जो है महत्वपूर्ण संबंधी कोई भी सकारात्मक बात आपको इसमें पता भी चल सकती है, जिस बात के बारे में आप काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, उसी से संबंधित प्रगति इसमें आपको नजर भी आएगी। आपको बता दें कि परिवार से दूर रहने वाला व्यक्ति घर लौटने की कोशिश कर सकता है। विदेश में रहने वाले व्यक्ति द्वारा आपको कोई अच्छी खबर यश में मिल सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों भावनात्मक रूप से अपने आप को मजबूत आप महसूस करेंगे तथा घर परिवार और व्यवसाय में उचित सामंजस्य भी यश में बना रहेगा। दोस्तों, कुछ समय अपने रुचिपूर्ण कार्यों में समय को व्यतीत करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। आपको इससे नई ऊर्जा की अनुभूति भी होने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें, गुणात्मक और रचनात्मक संबंधी कार्य में आपका विशेष यश में रुझान बढ़ेगा। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में अपने विचारों में लचीलापन रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों, किसी बात पर जिद करने या फिर अड़ जाने से आपके काम खराब हो सकते हैं, तो दोस्तों इस बात के इसमें आपको अति ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। किसी मित्र के साथ विचार विमर्श करना आपकी समस्याओं का हल निकाल सकता है। दोस्तों, यश में संतान की गतिविधियों पर आपको नजर रखना अति आवश्यक होगा। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों आपके प्रयत्न की यश की प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों के लिए यह समय सकारात्मक फल देने वाला समय होगा। दोस्तों, सरकारी नौकरी की चाह रखने वालों के लिए भी काम से संबंधित कोई अच्छा खबर भी, अच्छा सूचना भी यश में मिल सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि शुरुआत में आपके महत्वपूर्ण कामों से जुड़ी सभी योजनाएं बनने वाली है। क्योंकि दोस्तों, इसके बाद जो समय होंगे आपके लिए, उतना आपके पक्ष में नहीं होंगे, उतना आपके लिए अनुकूल नहीं होंगे जितना आप परिश्रम करेंगे। आपको बता दें कि दोस्तों, आपके कार्य स्वतः ही बनने शुरू हो जाएंगे। आप अपने अंदर बहुत ही आत्मविश्वास को इसमें महसूस करने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों, आपको बता दें कि कार्य क्षमता में यश में पूरे दिन पूरे समय में आपको वृद्धि होने की संभावना बन रही है। आपको बता दें, यश में भावुकता और आलस्य अपने आपको दूर रखना चाहिए, इनको अपने ऊपर हावी नहीं होना देना चाहिए।
तथा दोस्तों यश में अनुकूल समय का बेहतरीन उपयोग आपको करना चाहिए। आत्म केंद्रित होने के बजाय आपको सामाजिक तथा पारिवारिक गतिविधियों में भी रुझान यश में रखना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों मौज मस्ती पर जरूरत से अधिक किया पैसा खर्च आपके लिए खराब हो सकता है। दोस्तों खर्चा आपके लिए तकलीफदायक या फिर तकलीफ पैदा कर सकता है। आपको बता दें कि पैसे और व्यक्तिगत जीवन संबंधित अधिक जागरूकता जो है दिखने की आवश्यकता इसमें हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि आप पर बना तनाव यश में कम हो रहा है, फिर भी दोस्तों काम पर आप पूरी तरह से ध्यान यश में नहीं दे पाएंगे और इसकी वजह से आपको नुकसान होने की आशंका बन रही है। तो दोस्तों खासकर इससे आपको यश में सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने ध्यान पर आपको जो है अपने काम पर आपको ध्यान केंद्रित करने की यश में आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों वर्तमान में ग्रह स्थिति आपके लिए बहुत अद्भुत शक्ति का निर्माण कर रही है, आपको अद्भुत शक्ति इसमें प्रदान करने वाली है। दोस्तों अपनी छिपी हुई प्रतिभा को पहचानें और उसका उपयोग करें। विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा संबंधी कार्यों में इसमें सफलता मिलने की पूरी संभावना बन रही है। आपको बता दें कि इसमें आपको कई दिनों से लेकर जो भी सूचना नहीं मिली थी दोस्तों वह महत्वपूर्ण सूचना इसमें आपको मिलने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों यश में ज़्यादा सोच विचार करने से समय को नष्ट ना करें तथा अपनी योजनाओं को तुरंत जो है क्रियान्वित करें, ये आपके लिए बेहतर होंगी। बाहरी गतिविधियों में भी आपको यश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप भी आपके लिए यश में परेशानी का कारण बनेगा। तो दोस्तों इनसे सावधान रहें। साथ ही यश में आपको अपने गुस्से के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से परिस्थितियों को संभालने की जरूरत होगी। दोस्तों ये आपके लिए यश में बेहतर रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपके व्यवसाय को लेकर बात करें अर्थात आपके करियर की, तो दोस्तों यश में आय के साथ साथ खर्चों की भी अधिकता रहेगी। व्यवसायिक स्थल पर कार्य प्रणाली में बहुत अच्छा बदलाव भी आने की संभावना बन रही है। पब्लिक रिलेशन रखने वालों के लिए बहुत अच्छा खबर इसमें आपको मिल सकता है। दोस्तों व्यवसाय संबंधी नए स्रोत भी इसमें उत्पन्न हो सकते हैं। आपको बता दें कि जो लोग हैं आपके संपर्क में रहेंगे और नौकरी में किसी प्रकार की तरक्की भी इसमें आपको दिलाने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों प्रेम संबंधों में नजदीकियां आने वाली है। पति पत्नी के संबंध में ईगो को लेकर नोक झोंक रह सकती है। आपको बता दें कि अपने दाम्पत्य जीवन में मधुर जो है मधुर बनाकर रखना आपके लिए इसमें आपकी जिम्मेदारी होगी। तो दोस्तों इसमें आपको अपने वाणी प्रश्न में रखना है और कोई भी कार्य को करने से पहले अपने जीवन साथी का सलाह अवश्य लें, ये आपके लिए यशमय बेहतर रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें अर्थात आपके हेल्थ की, तो दोस्तों यश में सर्दी से अपना बचाव रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। साथ ही अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाकर रखने की कोशिश करें और इसके लिए आपको योगा और व्यायाम पर ध्यान देना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, आपको बता दें अगर आप साधनों को रोकेंगे तो अंत में आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। कभी कभी मनोबल में कुछ कमी भी महसूस होगी परंतु जल्दी ही आप ऐसी स्थिति भी उभर जाएंगे। तो दोस्तों यश में आपको इन पर ध्यान देना चाहिए, सभी चीज़ आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे।